आदि सो जाओ, अब बहुत रात हो चुकी है, चलो। मतलब तुम नहीं मानोगी, बहुत शरारती हो गए। ओके, वन लास्ट टाइम, वो भी इसलिए क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे है। चलो अब बहुत हो गई मस्ती, अब तुम सो जाओ। ओके चलो आओ। अरे इधर तुमने इसे बिगाड़ दिया, देखो अभी तुम्हारे पंख देखे बिना सोता ही नहीं है। बच्चों में नई चीजों को लेकर बहुत एक्साइटमेंट होती है, और कुछ ही दिनों की बात है, देखना फिर से कोई नई चीज ढूंढनी पड़ेगी इसे सुलाने के लिए। आज मोना की बातों में आकर मैं कितना बड़ा पाप कर देता। अगर तुम लोग सही वक्त पर नहीं आते तो मैं माँ को। जो अनहोनी टल गई उसके बारे में क्या सोचना, और वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं थी। मोना है ही इतनी चालाक कि उसकी बातों में कोई भी आ जाएगा। या तुम कभी गलती नहीं करती, और अगर हो गई तो? ऐसे क्यों बोल रही हो? मोना, उसने मुझे धमकी दी है। कैसी धमकी? अंश तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल फेंकेगा, वो भी एक हफ्ते में। क्या कि एक हफ्ते में वो मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगी? कि उसने तो ये कहा है कि तुम खुद मुझे इस घर से बाहर निकालोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता पिया, और ये बात तुम भी जानती हो। तुम इस घर की जान हो, तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं है। और रही बात मोना की धमकी की, उनकी धमकी को सीरियसली मत लो, वो धमकी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि ना वो अब इस घर का हिस्सा है और ना ही हमारी जिंदगी का। तुम्हें लग रहा होगा पिया, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया तो सब ठीक हो गया, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं भले उस घर में नहीं हूँ, तुम्हारे आस पास नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी ही कठपुतली बन के रहोगी और वही नाच नाचोगी जो मैं तुम्हें नचाऊंगी। तुम बस देखती जाओ पिया कैसे ये डायन दैविक और दावंश को अलग करती है, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर। आदि क्या खेल रहे हो? आज आपका बर्थडे है ना, आज शाम को आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे और मम्मा को भी बहुत काम है, ठीक है? तो आप यहाँ पर खेलो, कहीं मत जाना, मम्मा भी आती है। गुड बॉय। हाँ, खाने की प्रिपरेशंस हो गई है। हाँ, और टॉयज भी ऐड कर दीजिएगा जी। अरे मेरा बच्चा यहाँ बैठ के अकेले खेल रहा है, कोई नहीं आपके पास। अच्छा आज किसका बर्थडे है? आदि का। आपको पता है आज आप कितने साल के हो गए? पूरे 1 साल के हो गए हो। इतनी जल्दी बीत गया ना ये 1 साल, पता ही नहीं चला। एक काम करें आदि, मैं और आप जाकर बाहर खेलें खुली हवा में। आ जा, चल मेरा बच्चा, चल खुली हवा में जाकर खेलेंगे। हाँ कहाँ जाएंगे? वहाँ। आप सोचते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अरे यार, हम सोचते हुए आपको अच्छे लग रहे हैं। अरे क्या बताएं, हम प्रेशर के ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे यार, हमारा माथा खराब हो गया है। वहां साहब ही हमको अल्टीमेटम देके चली गई है कि हमको लग रहा है ना कि हमारे हाथ से ना 2 में से कोई एक चीज चली जाएगी, या तो नौकरी जाएगी या छोकरी जाएगी। मतलब ये कि या तो हम रियोवंशी रहेंगे
या तो आपके पति देव। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारे पति भी रहेंगे और रीवा वंशी भी। अरे आप समझ नहीं रही हैं, अगर हम रीवा वंशी वाला काम करेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना। बुरा क्यों लगेगा, जो काम करना आपको अच्छा लगता है उसके लिए मैं बुरा कैसे मान सकती हूँ। इनफैक्ट आपको तो कल से ही काम शुरू कर देना चाहिए। अरे नहीं भाई, आप असली मुद्दा समझी नहीं है। वहाँ सावी हमको बोल के रखी है कि हमारे काम के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं, एकदम टॉप सीक्रेट है, अंडर कवर, यहाँ तक कि आपसे भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मत बताइए ना, वैसे भी मुझे उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आप अपने काम में ध्यान दीजिए और मैं अपने काम में ध्यान दूंगी। अरे वाह, वे हमारी बीवी सुंदर है, सियानी भी है और संस्कारी भी है, 3 in 1। अबे मतलब हमारी इस लड़की से शादी हुई है तो हमारे भाग्य खुल गए। वाह वाह, बहुत अद्भुत काम किए हो तुम नमंद कंचार रीवावंशी। अब देखना तुम्हारा गुड लक चालू हो गया है यहां से, चलो। चलो कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ छुटकी। एक कदम और आगे आओ छुटकी। वो बेवकूफ सोच रहे हैं उन्होंने डायन रक्त बंधन से छुटकी को आजाद करवा लिया, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते ये रक्त बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटता। चुटकी अभी भी मेरे साथ डायन रक्त बंधन में बंधी हुई है, और मजे की बात यह है इस बारे में उनमें से कोई भी नहीं जानता। हाँ बाबा, ये मुझे अंश ने भी कहा कि मोहना हम दोनों के बीच नहीं आ सकती, लेकिन ये आप जानते हैं और मैं भी कि एक आयन कब कहाँ कौन सी चाल चल दे ये कोई नहीं जानता। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। गुड़िया बेटा, आदि क्या हुआ गुड़िया? ये माँ क्या कर रही है? गुड़िया आदि को क्या हुआ? हेलो, मैं तो बस आदि को खिला रही थी। खिला रही थी? क्या हुआ माँ? अंश, पता नहीं क्या हुआ, मैं आदि को यहाँ खिला रही थी, पिया ने अचानक आके उसे मेरे हाथ से छीन लिया। अंश, माँ ने आदि को इतनी लापरवाही से पकड़ के रखा था, रेलिंग के बाहर लटका के रखा था, वो गिर जाता उसे कुछ हो जाता तो। पिया तुम क्या बोल रही हो? पिया तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं मुन्ना को, मेरी जान बस्ती है आदि में। इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ माँ, आपने उसे ऐसे कैसे बाहर लटका के रखा था? जैसे ही मैंने देखा मैं घबरा गई, इसलिए मैं भाग के यहाँ आ गई। ऐसा नहीं है, मैं तो बस मुन्ने को यहाँ टेरेस पर ताजी हवा खिलाने लाई थी और हम दोनों खेल रहे थे बस। नहीं अंश, ऐसा नहीं है जैसा माँ कह रही है। मैंने देखा माँ ने आदि को बाहर रेल के बाहर लटका के रखा और ये मैंने खिड़की से देखा, मैं घबरा गई इसलिए मैं भागी भागी यहाँ आ गई। पिया ऐसा भी तो हो सकता है कि दूर से क्लियर ना दिखा हो, माँ और आदि रेलिंग से दूर हो और दूर से ऐसा लगा हो कि वो लोग रेलिंग के पास है। नहीं अंश, ऐसा नहीं है। अंश देखो, आज आदि का पहला जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो या घर का माहौल खराब।
और अगर पिया नहीं चाहती तो आज के बाद मैं आदि को नहीं खिलाऊंगी। माँ माँ ऐसी बात, ये सब क्या था भैया? आदि